किसानों पर राजनीति करने वालों आंखें खोलिए, बेचारा किसान भरे बाजार किस तरह लूटा जा रहा है या गल्ला मंडियों में आकर कभी भी देखा जा सकता है। कहने को तो सरकार ने धान का मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है और 1 अक्टूबर से धान की ना की खरीद शुरू कर दी है, बल्कि 94 केंद्र भी खोले जाने के दावे किए जा रहे हैं। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे की माने तो धान खरीद के पहले दिन 140 क्विंटल की खरीद दर्ज हो चुकी है, पर जमीनी हकीकत देखिए कि महमूदाबाद में धान खरीद की बोहनी भी नहीं हो सकी है। और तो और 7 क्रय केंद्रों में से मंडी में स्थित केंद्र चालू भी नहीं हो सका, जबकि मंडियों में गल्ला आढ़तियों की गई खरीद को आकर देखें तो प्रतिदिन 5000 क्विंटल से ज़्यादा धान की खरीद हो रही है। अब गल्ला आढ़तियों का रेट भी जान लें, महज 900 से 1100 के बीच धान की खरीद की जा रही है। किसान अपना दुखड़ा कहें तो किससे, उसकी तो लागत भी नहीं निकल रही है। सरकार किसान बिल का सब्ज बाग दिखा रही है और विपक्षी किसानों का हितैषी बताकर सड़कों पर होल्ला मचा रहे हैं। खून पसीने की कमाई किसान कौड़ियों के दाम बेचने को मजबूर हैं। यकीन नहीं होता है तो आप भी देखें और सुने आई इंडिया पर किसानों का दर्द। धान बेच रहे हैं? हाँ। क्या रेट बिका? 1100। कुछ फायदा वायदा हुआ आपको? अरे फायदा का लगवाई तक नहीं है, का कटाई है, 3000 रुपया लगवाई पड़ रही है, खाद पड़ रही है और गुड़ाई हो रही है, का ही मांग कुछ ना, खाली ऐसे परती पड़ रहा तो ठीक है। नाम क्या है आपका? लखपत। यहाँ धान बेचने हैं? क्या रेट बिका है धान? 1050। कितना धान है? 35 क्विंटल। आपकी लागत निकल पाई इसमें? कैसे काम चलेगा जो इतना सस्ता बिक रहा है? काम का है कि ऐसे नहीं चाहिए फिलहाल, उनका जब गवर्नमेंट खरीद चालू हो जाएगा बेचना पड़ा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।